हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के थर्ड वीक की 15 से 22 के लिए। और मैंने आपके कार्ड्स पहले ही निकाल के रख लिए हैं। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीक की रीडिंग और अगर आप ईयरली देखने में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके कार्ड्स टर्न करते हैं, देखते हैं कि क्या है आपके लिए फ्यूचर में। Two of Wands, the High Priestess, and Ten of Pentacles. Taurus, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं अंदर अंदर, ओके, जिसके बारे में आपके पार्टनर को पता नहीं है। आप किसी चीज की तैयारी करने में लगे हुए, ओके, मे बी आपका नेक्स्ट स्टेप जो भी होने वाला है आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके बारे में आपके पार्टनर को पता नहीं है। और मुझे लगता है कि ये चीज कुछ आपके फैमिली से रिलेटेड है, आपकी मतलब जो भी परिवार है। मैं अगर मैरिड लोग भी हैं तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो आपके मदर इन लॉज एंड फादर इन लॉ की मैं बात नहीं कर रही, जो आपकी एक्चुअल फैमिली है बाय बर्थ। इसके साथ मिलकर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, ओके, और ये प्लानिंग हो रही है आपके अपने फ्यूचर के लिए। आप देख रहे हैं कि आगे आपको कैसे बढ़ना है और कैसे आपके लिए चीजें अच्छी हो सकती है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है किसी तरीके की, या आप अपने स्पाउस को बता देना, कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे आप सिक्योर रहे अगर आप उससे अलग होने का सोच रहे हैं तो, ठीक है। और आप ये जो भी कर रहे हैं इसमें आपके अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। और अगेन यहाँ टू ऑफ वॉन्ट्स के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ट्रेवल हो सकती है, कईयों के लिए अक्रॉस वाटर भी हो सकती है, ठीक है। और यहां पे देखते हैं और क्या कार्ड्स कह रहे हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आप जिस भी रीजन से हर्ट रहे हैं अब आप ट्रांजिशन के दौर में हैं और आपके अंदर जो एनर्जीज है वो वेव्स के उसमें आएंगी, पैकेट्स में आएंगी। कहने का मतलब है एक पॉइंट पे आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, जैसे कितने समय का बोझ आप पे से उतर गया, और अगले ही मोमेंट आपको ऐसा फील होगा कि नो ये क्या हो गया, मेरी पास्ट सिचुएशन ऐसी थी। मतलब यहां बहुत अप एंड डाउन दिख रहे हैं मुझे मूड्स के इन द थर्ड वीक। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके टॉरस, तो अगर मैं यहां देखने जाऊं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड के बगल में ये सेवन ऑफ कप्स, तो आपके जो भी मूड स्विंग्स होंगे इस वीक में, जो कि मुझे लग रहा है काफी ज्यादा हो सकते हैं, वो सब कुछ टेम्पररी है। अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ये बस थोड़े वक्त के लिए आपके प्लान्स जो है वो सक्सेसफुली हो जाएंगे। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं अपने बेहतरी के लिए और आपको डर लग रहा है कि आपका प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं, आपका अंजाम क्या होगा आगे, तो इस तरह का डर आपका सिर्फ टेम्पररी है, ओके। सेवन ऑफ कप्स के साथ ये सारी चीजें इल्यूजन है, आप इन्हें भूल जाएं, क्योंकि आपका जो भी आगे प्लान है वो अच्छा ही होने वाला है। स्पेशली वर्क फ्रंट पे बहुत अच्छा होने वाला है, या फिर अगर आप मैरिज में जाने वाले हैं तो स्पेशली जिनकी शादी होने वाली है इस वीक में, उनके लिए काफी प्रॉस्पेरिटी और काफी अच्छा दिखाई दे रहा है वक्त। उनकी मैरिज सक्सेसफुल रहेगी इस वीक की। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप में कुछ करने का उतावलापन है टॉरस। मे बी आप जो भी कर रहे हैं सीक्रेटली, आपके पार्टनर को लग रहा है, ये उसको पता है कि आप कुछ सीक्रेटली कर रहे हैं और वो बड़ा परेशान है, दिन रात सोच रहा है कि आखिर क्या चल रहा है आपके माइंड में। आप इस वक्त बिल्कुल भी सामने वालों को अपने दिमाग की बात खुल के नहीं बता रहे और आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आप सीक्रेटली कर क्या रहे हैं और आपके इरादे क्या हैं, कि आप उनको छोड़ने वाले हैं, कि आप उनके साथ रहने वाले हैं, आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है। वो क्रेजी हो रहे हैं इस चीज को सोच के, ठीक है। अगेन विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लग रहा है जल्दबाजी में आप सोच रहे हैं कि इससे पहले कोई कुछ पता लगा ले और बीन्स स्पिल हो जाए सबके सामने, सारे चिट्ठे खुल जाए, इससे पहले आप अपने काम को अंजाम तक पहुंचा दें। इस तरह की कोई चीज आपके अंदर चल रही हो सकती है,
या फिर उल्टे साइड से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी, मगर आपके पार्टनर के साइड से भी ऐसा हो सकता है, या आप ऐसा कर रहे हो सकते हैं, जिसमें मुझे लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं शायद। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको बहुत उम्मीदें हैं, आप सोच रहे हैं कि ये करने के बाद आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो बहुत पॉजिटिव होंगे और आपके लाइफ को एक डायरेक्शन मिल जाएगा, वो डायरेक्शन जिसके लिए आप अभी तक तरस रहे थे, वो चीजें जिसके लिए आप अभी तक परेशान थे, अभी तक दुखी थे और आपके लाइफ में नहीं थी, हालांकि आप उन्हें बहुत डिजर्व करते थे, फिर भी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ्स। ओके, फाइनल दो कार्ड्स, एक बार क्लियर हो गई टॉरस, डेथ, कुछ एंड होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, कुछ जो भी पहले से चला आ रहा था वो एंड होने वाला है। यहाँ एकदम क्लियर मैसेज मिल रहा है मुझे टारो से कि अगर आप कुछ एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, घबराइए मत। अगर आपके मूड स्विंग्स हो भी रहे हैं तो वो टेम्प्रोरी है, आपके पास सिर्फ गेम्स है। और अपने, अगर आप कुछ सीक्रेटली कर रहे हैं तो उसको सीक्रेट ही रखें, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, आपके वेलबींग से जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन आपसे कंप्लीट करने के लिए निकल आएंगे, तो बेहतर होगा कि आप ना ही बताएं इन चीजों को किसी को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप सिर्फ वो कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं और आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप किसी को बताएं नहीं, क्योंकि आप बताएंगे तो यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस और वॉन्ट्स खड़े हो जाएंगे। हाउ एवर, अगर किसी को पता चल भी जाता है, अगर आप किसी को बता भी देते हैं, तो आपका स्ट्रगल बढ़ेगा, लेकिन आप ही जीतेंगे, क्योंकि यहाँ ये इंसान आप देख रहे हैं एक वॉन्ड से सबको टैकल कर रहा है। ठीक है, तो आप सबको इस समय मजा चखाने का दम रखते हैं, अपने लिए स्टैंड कीजिए इस वीक में, टैरो आपको यही कह रहा है। अगर आप कुछ एंड करना चाहते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से एंड कर दें, बिना ये सोचे कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि आप अगर आप सैड अगर इस समय फील भी करें तो वो सिर्फ टेम्प्रोरी है, आपके लिए चीजें आगे अच्छी ही रहने वाली है। नाउ मैं आपके लिए एक ऑरेकल निकालना चाहूंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ऑरेकल के। ऑरेकल फॉर टॉरस फॉर द थर्ड वीक ऑफ मार्च। ऑरेकल फॉर टॉरस फॉर द थर्ड वीक ऑफ मार्च, मैसेजेस आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। ओके, द मैरियम, सीक्रेट विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। ओके टॉरस, एक चीज आपको ऑरेकल ये कहना चाहता है कि आपको अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा। ओके, अगर आपको ये सिक्स स्वॉर्ड मिले हैं, आपके पास्ट ने आपको दिए हैं, ये तकलीफ दी है, तो आपको इसे भूलना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे आपके लिए ये बेहतर नहीं है कि आप जबरदस्ती का अपना दिमाग खराब करें, पिछले लोगों के बारे में सोचें और जरूरत से ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस दें, और इसके वजह से आपकी लाइफ खराब होगी। हम सबके जीवन के लिए लिमिटेड होते हैं और उसे हमें अपने लिए लगाना चाहिए। आप अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, अपने लिए अच्छा कीजिए, दैट्स ऑल फाइन, लेकिन यूजलेसली किसी ऐसे इंसान के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है जिसने आपकी कदर नहीं की। सी द लाइट इन ऑल, जो आपको आपके आसपास खड़े हैं सपोर्ट में, उनकी लाइट को आप देखिए। मुझे लग रहा है आपने फैसला जरूर लिया है कुछ कर जाने का, लेकिन आप डरे हुए हैं, आप थोड़े से इनसिक्योर हैं, तो अंधेरा आप अपने आसपास फील कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको दरकिनार करनी होगी, क्योंकि ऐसी कोई वजह नहीं है। या सेवन ऑफ कप्स है बगल में, ये सिर्फ आपका इल्यूजन है, आपका वहम है। ओके, विद दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली साथ है, वो उनमें जो भी एनर्जी आपको उनसे मिलती है वो पॉजिटिव है, और आपको खड़े होना पड़ेगा अपने लिए, तभी आपकी फैमिली भी आपकी हेल्प कर पाएगी, आपको इनके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज, अगेन लव की कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर आप ऐसे कोई पर्सन हैं, अगर आप सिंगल हैं विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स और आप घबराए हुए हैं, क्योंकि आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, सिंगल हैं और अट्रैक्टेड हैं, ऑलरेडी जाना चाह रहे हैं, मगर आप घबराए हुए हैं विद दिस सिक्स ऑफ सॉर्ड पीछे की बातों से, या फिर आपके पास में कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि आपको लग रहा है कि व्हाट इफ अगर दूसरे पर्सन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये क्या बोला, तो इस तरह की चीजें इस वक्त भूलिए, बिकॉज इस समय लव की कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप चाहें तो अपने पार्टनर को एक बार प्रपोज करके देख सकते हैं,
कि क्या इस समय आपको रिजल्ट मिलता है। आपके मन में जो भी है आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए बिना डर के। सो, ये थी आपकी मार्च की थर्ड वीक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और ये पॉजिटिव रीडिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।